नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षरधाम मंदिर के बारे में। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर एक अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ है और इसका निर्माण करने में लगभग 5 साल का समय लगा था। इस मंदिर के दर्शनों के लिए बिल्कुल नए प्रकार की तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे कि मंदिर की खूबसूरती और महत्व को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको भारत की सबसे बड़ी राजस्थानी शैली का तोरण देखने को मिलेगा। मंदिर के बाहर और अंदर की सुंदरता के साथ साथ आपको यहाँ के शांति और ध्यान को अनुभव करने का अवसर भी प्राप्त होगा। मंदिर में स्थित नारायण सरोवर और यहाँ के अनेक वटवृक्ष आपको शांतिपूर्ण माहौल में ले जाते हैं। अक्षरधाम मंदिर की भव्यता और सुंदरता को देखकर आपको ये नहीं लगता कि ये इतना नया है। मंदिर का निर्माण प्राकृतिक धातु और पत्थर की स्थापना के साथ साथ विशेष तकनीक का उपयोग करके किया गया है। दुनिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर के तौर पर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इसमें 10,000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला को दर्शाया गया है। मंदिर के परिसर के अंदर नीलकंठ नाम का एक थिएटर है, जहां स्वामी नारायण की जिंदगी की घटनाएं दिखाई जाती है। यहां का म्यूजिकल फाउंटेन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अक्षरधाम मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित एक पारंपरिक मंदिर भारतीय प्राचीन कला, संस्कृति, शिल्पकला की सुंदरता और आध्यात्मिकता की झलक प्रस्तुत करता है। इस मंदिर की खासियत यह भी है कि इसमें स्टील, इस्पात या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के मिश्रण से बनाया गया है। यह मंदिर इतना ही ज़्यादा खूबसूरत है कि आपको इसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनाया गया है। स्वामी नारायण अक्षरधाम परिसर का निर्माण 11,000 कारीगरों और हजारों BAPS स्वयंसेवक द्वारा किया गया है। इसे बनाने में लगभग 5 साल का समय लगा है। अक्षरधाम मंदिर परिसर का उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को किया गया था। मंदिर में भारत के ऋषियों, साधु, आचार्यों और अवतारों के 200 पत्थर से बनी मूर्तियां मौजूद हैं। बताया जाता है कि हर साल करीब 10 लाख पर्यटक यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर करीब 100 एकड़ भूमि पर फैला है। मंदिर को वास्तुशास्त्र और पंचरात्र शास्त्र की बारीकियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि यह मंदिर कम से कम 1,000 साल तक सुरक्षित रह सके। अक्षरधाम मंदिर की सुंदरता रात में काफ़ी बढ़ जाती है। मंदिर की सजावट काफ़ी मनमोहक तरीकों से की गई है। यह मंदिर सोमवार को बंद रहता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अक्षरधाम मंदिर को नहीं देखा है तो आपको बिल्कुल यहाँ आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।